मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता को गवा चुकी कांग्रेस के लिए अब अजमेर राजस्थान से एक बड़ी चुनौती आई है। अजमेर से गुर्जर समाज की ओर से एक बड़ी डिमांड कांग्रेस पार्टी की आलाकमान से हो रही है। गुर्जर नेता नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस आलाकमान से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में जो घटनाक्रम हुए हैं वो मध्य प्रदेश से बिल्कुल मिलते जुलते थे। राजस्थान में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना सचिन पायलट की कड़ी मेहनत का ही परिणाम था। लिहाजा पीसीसी अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही सचिन पायलट ने कई मुद्दों पर सरकार को सड़क पर घेरा, जिसके बाद सचिन पायलट के लिए सीएम पद का रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। और उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने बीजेपी को हैरान करते हुए लोकसभा के दो उपचुनाव हरा दिए। लेकिन जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने हैरान करते हुए एक फैसला लिया और आखिर में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे गुर्जर समाज में रोष देखने को मिला था। और अब फिर वही रोष दोबारा उठकर सामने आ गया है और अजमेर से ये रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से देश की राजनीति में मध्य प्रदेश में माधवराव के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थमा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी उदासीनता थी। और कहीं ना कहीं जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। यही कारण है कि आज जो है ज्योतिरादित्य जैसे युवा नेता जो है कांग्रेस को छोड़कर आज भाजपा में जा चुके हैं और राज्यसभा के उम्मीदवार भी वो बने हैं। तो कहीं ऐसी परिस्थिति राजस्थान में नहीं हो। राजस्थान का गुर्जर ही नहीं, पूरे भारत का गुर्जर समाज, चाहे वो गुर्जर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, क्या उनकी मांग है। और हम अजमेर से ये मांग करते हैं कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को जो है युवाओं को आगे लाना होगा। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की हम मांग करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। जहां सोनिया गांधी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जैसे युवाओं को आगे ला रहा है, तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेताओं की जो है उपेक्षा की जा रही है। जब पूरा देश आज सोनिया गांधी की तरफ देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है, अन्य राजनीतिक दल युवाओं को आगे ला रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आगे लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को अपनी जो है कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। अशोक गहलोत जी हैं, कमलनाथ जी हैं, अहमद पटेल जी हैं, इनको सम्मान दिया जाए और इन्हें राष्ट्रीय राजनीति में स्थान देकर जो है युवाओं को आगे लाना चाहिए। सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक नया मैसेज जो है देश के युवाओं में जाए और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से डैमेज हो रही है वो एक बार पुनः वापस अपनी जो खोई प्रतिष्ठा है उसको पा सके। नंद किशोर गुर्जर, अजमेर। अब एक बार सचिन पायलट के इंस्टीट्यूट पर गौर कीजिए। इंस्टीट्यूट में सचिन पायलट की उपेक्षा का दंश और कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी का दर्द साफ तौर पर दिखाई देता है। ये ट्वीट पायलट ने सिंधिया के कांग्रेस से अलग होने के बाद लिखा था। ट्वीट में लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से अलग होते देखना बेहद दुखद है। काश चीज़ों को पार्टी के अंदर ही साथ मिलकर सुलझा लिया गया होता। पायलट का ये ट्वीट कांग्रेस आलाकमान को नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां मिलकर सुलझाने का मतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातों को मान लेना, क्योंकि सीएम पद छोड़कर कांग्रेस सिंधिया को सब कुछ देने को तैयार थी। खैर, देखते हैं कि क्या पायलट सिंधिया के नक्शे कदम पर चलते हैं या फिर राजनीति में पायलट अपना कोई अलग रास्ता बनाते हैं।